जी सो यस प्रिया, यू नो व्हाट वुड यू लाइक हियर मोर एज इन द कॉल अनु, यू नो यू या यू गुड विद some good great ideas, yeah, and I'm sure all of us are quite innovative with something new coming up, yeah. और अगर यही चीज आपका बिजनेस होता तो आप क्या नई चीज इनकॉर्पोरेट नहीं करते, वही जो 1970 में कर रहे थे वो 2020 में कर रहे होते? आई एम श्योर नॉट. ओके, सो दैट वी आर नेवर शॉर्ट ऑफ आइडियाज. ओके, बट द ओनली शॉर्ट शॉर्टनेस इज कि यू नो आई डोंट वांट टू पुट इन माय हेड देयर. या सो और हम बाकी की सब भयंकर चीजों में हम अपना दिल दिमाग लगा सकते हैं और उसमें तवज्जो लगा सकते हैं, और जहां लगाने की जरूरत है वहां नहीं लगाएंगे. सो ये हमारी काफी पुरानी फितरत और काफी पुरानी बीमारी है. लेट्स टैकल इट टुडे सो दैट टुमारो इज नेवर गोइंग टू कम. या सो कमिंग बैक टू कॉल, यू नो आई वाज कमिंग अप विद थ्री वर्ड्स फॉर टुडे. या नो प्लीज, एंड बिफोर आई गो अहेड विद इट, Malvika, can you speak something about action and reaction? Why ओके. does an action always have a reaction and not necessarily a good reaction? Since this is an anti-anxiety workshop we are doing with you, so I mean, this is something I observe, like actions of others. Why do they, reaction? Matlab, it's like it comes out like this. Why? Despite everything, despite access, despite bars, despite so many clearings, everything, why does this reaction still takes place? ओके, हाँ सुबह की क्या गरम गरमा गरम लड़ाई हो चुकी है क्या? कल कई बार वो भी रहता है ना, द टॉपिंग ऑन द केक. इट्स विद एवरी हाउसहोल्ड, देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल दैट्स नो हैपेंड. नो इट्स लाइक या यू आर शायद भी हैविंग कहीं थोड़ी बैक कम टू हो गई, बैक कहीं थोड़ी वर्कशॉप्स ज्यादा हो गई, इजंट इट? तो यू फिर आर आज तो यू नो दे हैविंग बैक टू बैक वर्कशॉप्स एंड यू आई मीन आई जनरली आई टेंड टू गो ऑल पुश आफ्टर अ वर्कशॉप आई टेंड टू डोज ऑफ और व्हाट एंड खैर एनीवेज लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू बिकॉज़ डेन आल्सो केम अप विद दिस टिपिकल लाइन कि एक्शन एंड रिएक्शन ही स्पोक समथिंग अबाउट दैट लास्ट नाइट सो इट वाज गोइंग इन माय माइंड कि व्हाई डज एवरी एक्शन वेदर इट कहीं से भी आए व्हाई डज इट ऑलवेज कॉल्स फॉर अ रिएक्शन What is the reaction as per you? रिएक्शन आई थिंक इट्स द वे वी परसीव थिंग्स एंड व्हाई डोंट वी रिमेन रिएक्शनलेस Because we do not love to take action to take away the trigger. बिकॉज अल्टीमेटली आई हैड टू टेल दिस टू माई डॉटर आई एम सो सॉरी इट वॉज एन एक्शन विच आई डेल्ट विद अ रिएक्शन आई एम रियली सॉरी एंड आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप सो वी जस्ट कट द ट्रैक देयर एंड लाइक See, I have observed, like I have observed that you know, action could be an inaction also. Yeah, action does not always mean that I have to be acting, I have to be working, I have to be doing, isn't it? Could be that in the required situation, when you are having a trigger in front of you, the most adequate action is just to be in most in-depth in action. Okay? And how does that in action come? Yeah? Are you getting what I'm saying, or do I need to simplify the whole thing? No, Yeah, I'll. agree, Malvika. So for me, just putting it in a one sentence is reaction. For me, how it is, when I have a need to do something then and there at the very moment when the trigger is there, that is reaction. Without waiting for it, without thinking Okay. about it, I have to do something, and that comes by itself, you know. And it is majorly backed up by your thoughts, feelings, and emotions. If I felt bad, I have to react right now, then and there.
you know, and if I don't feel anything, then I might hold myself. So, yeah. Okay. So, reaction, हम जब word ही reaction use करते हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं पे मेरे अंदर खलबली है, जो वो चीज निकल के आ रही है. Yes. Am I making it clear? Isn't it? So, वो खलबली कहाँ है? और जो मैं इन एक्शन की बात कर रही थी, इन एक्शन का मतलब कि कोई कुछ भी करे, सपोज सामने वाला गुस्सा कर रहा है और करते ही चले जा रहा है और फिर बोले ही चला जा रहा है और फिर बोले ही चला जा रहा है और फिर यू नो अब 30 मिनट हो गए अब यू नो और ऐसा क्या हो सकता है कि इस टाइम मैं इतनी शांत हूँ. दैट इज द इन एक्शन. नो एक्शन. इन एक्शन मीन्स यू नो वन इज इन एक्शन कि चलो थोड़ी सी दो दो हाथ हो जाए, हाथापाई हो जाए. या एंड द अदर इन एक्शन इज व्हेन आई चूज टू बी नॉट एक्टिंग एट ऑल. यू गेट दैट? Sometimes it is even if you try to not act at all from outside, but then inside it is so much of action going on, which is like maybe just replying back to the other person that what the hell you think you are and why you are doing this. But samne se, yeah, but samne se I'm trying to be calm. 30 minutes is a real long time. Agar wo 5-10 minutes bhi ho jata, so that's a very good time for all of us maybe. Yeah. So sure. To start with. But yeah. Then some action going on inside which says stop it, don't do it anymore, right? Otherwise I'll blast on your face. Yeah. So that thing also happened. So how to stop that kind of action where it's a conflict, where I'm trying to show that I'm not acting anything to show you that I'm not acting, but inside it is like I'm talking to you. सबसे पहले तो मुझे तो जो लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं कहीं तुम्हारे से बेटर हूँ, isn't it? और yes, आज की डेट yes. में आज की डेट में तो तुमको सुना ही डालूंगी, isn't it? और आज का ही मौका तो है कि मैं और आज नहीं सुनाया तो कब पता नहीं कब सुना पाऊंगी. मगर मैंने ये देखा है कि भौंकते हुए कुत्तों को कौन सुनता है यार. You always must have observed कि आपको कभी रिएक्शन आया, आपने एक सेंटेंस यू नो एक मिलियन डॉलर सेंटेंस बोला और वहां से चले गए. When you actually meant and you were absolutely you meant business and people could not budge that. They had to bloody well follow because they knew what you exactly meant and you did not drag that energy further. Yes? Yeah? So there is one thing which I will put it across, sir, ki how much garbage am I holding on to that is actually falling out as shit when it comes to reaction. Isn't it? The amount of the hoarding of garbage that I have, that is the kind of, pata kahan kahan se jab gussa aata hai na to pata nahi kahan kahan se English, French, Hindi, Punjabi ke aise khoobsurat vocabulary andar se nikalti hai jo shayad aapko lagta hai yaar ye kabhi school mein nahi sunti, kabhi college mein nahi seekhi, kabhi apne maa baap ko nahi bolte ki ye aayi kahan se aati hai itni khoobsurat vocabulary ka wo itna aise sama baanti hui wo mishran hota hai ना, कि चाहे वो अगर मैं अपने आप को अपने ही शब्दावली में कुछ देर बाद सुनू ना तो ऐसे लगता है कि शायद मैं भी अपने साथ खड़े होने लायक थी नहीं उन. Yeah, it's not me kinds. कि how can I even say like this? But that moment, it was maybe I don't know required or it just flows out. It flows out because there is in. There is, yeah, true. The thing is, if I didn't, this is like बहुत बारी, you know, I've on call, I've used this example कि अगर कूड़ा कहीं पे भी रखा हुआ है, कितने भी सुंदर गार्बेज बिन में, तो उसको रखे रखे 3-4 दिन हो गए, तो उसने महकना तो है ही है ना, है ना? ऐसे तो नहीं है कि स्ट्रॉबेरीज के छिलके थे, तो वो स्ट्रॉबेरीज ही महकेंगे, कुछ और भी साथ में महक रहा होगा. You get that? Yeah. Lovely example, yeah. Yeah, so then the thing is कि क्यों महकता क्यों है वो? क्योंकि है. तो फिर उसका एक ही तरीका है कि उससे हम
उसको बाय करने की तरफ चले ना, और फिर यू नो एंड देन वर्किंग टुवर्ड्स सेइंग बाय एंड देन एक्चुअली फाइनली सेइंग अ गुड बाय टू दैट. या एंड देन फॉर दैट आई थिंक दैट वी हैव टू आस्क कि कुछ भी मेरा एक्शन रिएक्शन आए तो ऊपर वाले इतनी मुझे मियाद देना और इतना मुझे प्रेजेंट रखना, मुझे पता हो कि मुझे कितना बोलना है. Isn't it? सारी स्टोरी ना हमारी पूरी जिंदगी की बीइंग प्रेजेंट से है. या और होता पता है क्या है कि आज मेरी तुमसे हो गई लड़ाई तो मैंने 1970 से लेके 2020 तक सारा कुछ आज ही बकवास बना है. Are you getting me? Why? Because I'm still holding on to those resentments. Somewhere they are pocketed in my body. है ना? उस टाइम मैंने सोचा जब हमारी 20-50 साल पहले लड़ाई हुई थी तो मैंने सोचा छोड़ो छोड़ो, रात गई बात गई. मगर वो रात गई बात गई थी नहीं, उसकी जो रेजिडुअल एनर्जी थी ना मेरे बिल्कुल अंदर कायम थी. है ना? उसकी उस डेट में मैंने उसको और भयंकर, शायद थोड़ी सी समझ काम कर रही होगी तो उसको ज्यादा भयंकर महाभारत बनने में मैंने उसको अवॉइड किया उस मोमेंट. मगर फिर भी वो महाभारत अभी भी मेरे अंदर मॉलिक्यूल्स में चलती रही. फिर एक और चीज ऐड हो गई, फिर एक और चीज ऐड हो गई, फिर एक और चीज ऐड हो गई. है ना? इसने हम वो कॉकटेल्स बनाते हैं ना तो सारे इंग्रेडिएंट्स बीच में डालते हैं, है ना? तो जब हमारा रिएक्शन भी होता ना, सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो जो मैंने इतने सालों में इकट्ठे करके रखे थे ना, या the all the toxicity when I was 3 na you did this to me, when I was 10 then you did that to me, when I was 20 then you did that to me. Jab hamari shaadi hui thi na, hai na, tab bhi tumne mujhe jhoot bol ke hi shaadi karayi thi. Theek hai, chalo 25 saal ho gaye. Are bhaiya 25 saal mein sila to pura hua nahi aur 125 saal mein bhi hone wala hai nahi. Baat to sari ye hai ki chalo lad bhi le, ek dusre ke baal bhi nauch le, khench le. But the thing is, am I in peace with myself? ठीक है, कितना भी मैं गाली गलौज कर लूं, बात तो एंड लाइन तो यही है ना कि am I at peace with myself, है ना? और लड़ाई के बाद देखो बीपी कहां, शुगर कहां, है ना? फिर दवाई की गोलियां ढूंढते फिरते हैं, फिर बच्चे कहते हैं यार शांत हो जाओ, पानी पी लो, नहा लो, शायद दिल दिमाग ठंडा हो जाए. मगर नहीं, हम कहां? Isn't it? हम तो होता है तू मेरे पीछे मैं तेरे पीछे, चलो पहले वैसे थे, पहले शायद इश्क में मैं तेरे पीछे तू मेरे पीछे, अब पागलपंती में तू मेरे पीछे मैं तेरे पीछे, यू नो इट्स लाइक दैट. ओके, एंड एवरीवेयर दैट वी ऑलवेज आर इन अ रिएक्शन मोड, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द डिग्री ऑफ इन एक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यू सो दैट यू जस्ट आर नॉट इन द स्पेस ऑफ reaction. Yeah, and everything that keeps you in that space of reaction always come what may. See, there is a lot of difference between two people conversing than two people communicating. What is communication? Communication is ki jab aap sun rahe hain, aap bol rahe hain, to mujh mein pura dheeraj hai सारी आपकी ए टू जी सुनने का, चाहे आप कितने क्या भी बोल रहे हो. ओके, या बट इट इज नॉट वन वे, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वेज, नो इजंट इट? व्हेन टू पीपल कम टुगेदर, व्हेन टू पीपल आर लिसनिंग एंड इम्पार्टिंग एंड यू नो दे आर रेडी टू बी फॉर वन अनदर, whatever might be, that is when the communication is happening. But what is reaction? Reaction is I am right, you are wrong, I am right, you are wrong. Okay, and what is another way? You know, if suppose for this instance I say you are right, I am wrong, but this is not to save the fight, this is out of the knowing that I have that when I make the other person right na वैसे ही वो चीज चले जाती है. Isn't it? आपको क्या लगता है, और नोइंगनेस क्या होती है कि मुझे एक्चुअली डीप डाउन पता है सच्चाई क्या है, मुझे एक्चुअली डीप डाउन पता है सच्चाई क्या है, मगर मुझे आज की डेट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है.
isn't it? Whenever I try to prove I am the brighter one, I am the intelligent one, I have maneuvered my marriage, I have maneuvered my relationship, I have done XYZ, you have not done anything. That is the bone of, that is the bone of contention, no? Yeah, bone of contention. Yeah. So everywhere that we are, वो जैसे जैसे रहते हैं ना भूखे कुत्ते, वो हड्डी दिखते ही उसको पड़ जाते हैं, you know? You get that? So हम वहाँ पे कहाँ हैं? Where are we? Where are we? Yeah, that I always have to react. And the thing is that there is a reaction which is there in me, which I keep throwing out. If I would ever get inside me and ask, where is the reaction happening? What are the toxic energies that I'm holding on to from lifetimes after lifetimes that I have not been able to exit from my body? Yeah, exit from my heart, exit from my being. Yeah, to experience the peace that is right here, right now, available, everything that it brings up for you. Would you now like to let all of that go, please? Right and wrong, good and bad, fucking broad, all night, just boys and beyonds. Because sometimes when we desire to prove I am right, you are wrong, you are right, I am wrong, the whole thing is that the proving energy is already talking about something much more than what you're trying to prove. What are you trying to prove? What are you trying to prove? Have you ever asked yourself that? What? We don't have to answer anyone. We're just questioning ourselves and then getting an answer for ourselves that what am I trying to prove here? Yes, Manmeet. Yeah, Manmeet. या मेरे ना एक लाइफ में पता है एक कलीग है, जैसे लाइक मैं शेयर करना चाहती हूँ, उनके साथ ना मेरी बहुत अनबन रहती है. और वो इसलिए रहती है क्योंकि वो सोचते हैं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकते, और उनका एक ये एटीट्यूड है, उनकी मेंटालिटी में ये सब चीजें हैं. तो जैसे आप कह रहे हो कि आपको उनके सामने प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और जबकि मेरा ये रहता है कि अगर मैंने बीइंग अ गर्ल नहीं बोला तो उनके दिमाग में तो हमेशा यही रहेगा कि गर्ल्स को सुनाते रहो, ये किसी लायक नहीं है, और ये जो है मतलब ये इसी लायक है कि ये सुनती रहे. तो वो मैं उसके लिए क्या होता है कि मेरा रिएक्शन होता है हमेशा कि आप गलत कह रहे हो और आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, या आपको आप जो मुझे ऐसे बोल रहे हैं. ये जद्दोजहद कितने सालों से चल रही है? नहीं, मेरे कलीग के साथ मतलब 2 साल से जो मेरे साथ है मेरे रूम में. हाँ, वही कह रही हूँ मैं कि 2 सालों से चल रही है ना, 2 सालों से चल रही है. So, और वो आपने हर बिटर हो चुका है ना, हमारा रिलेशन इतना बिटर हो चुका है कि जब वो मतलब वैसे सामने हम लोग बहुत अच्छा दिखते हैं, और लेकिन जब हम लोग बहस करते हैं ना तो वो ऐसी बहस होती है कि जिसमें कि सारा डिपार्टमेंट लगता है कि ये कर क्यों रहे हैं, ये एक दूसरे को छेड़ क्यों रहे हैं ऐसा. एंड ही ट्राई टू पोक मी एंड आई ट्राई टू रिएक्ट इन दैट वे ओनली. तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उनके साथ कैसे बिहेव करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत बिहेव कर रही हूं because he is elder to me. लेकिन मुझे लगता है कि वो उनकी सोच ऐसे क्यों है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, या गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लड़की है इसने ऐसे कर दिया, क्या समझती है अपने आपको. मतलब फिर मुझे लगता है कि मुझे, क्योंकि मैं एक लड़की को एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ, गर्ल्स के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे जो है अपने आप को प्रूव करना है कि ठीक है गर्ल्स ऐसा कर सकती हैं. और दे शुड बेटर यू नो अंडरस्टैंड. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. हाँ जी. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. ये 2 साल तो हो गए हमें लड़ाई लड़ते, तो अभी तक कौन जीता? He is so dominating, so he tries to never understand my viewpoint, और इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है कि मतलब he is so dominating कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता. You're such a sweetheart. You're saying कि वो 2 साल से, you know, he's so dominating, है ना? वो ये प्रूव कर रहे हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, आप ये प्रूव कर रहे हो कि लड़कियां कर सकती हैं. प्रूविंग एनर्जी कब आती है? जब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत है. अगर आपको ये चीज पता हो कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो आप बहस में पड़ोगे? I'm just asking you. पर वो उनको समझाना चाहती हूँ कि वो कभी तो बदलो आप अपना नजरिया यार. आप घर में भी वो ऐसे ही हैं एंड ऑफिस में भी वो ऐसे ही हैं कि उनको लगता है कि गर्ल्स आर गुड फॉर नथिंग. यू आर सो राइट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अनदर पर्सपेक्टिव इन योर हेड.
बात तो ये है कि या हम सुधर जाएं और या दूसरा, तो इस टाइम तो ये है कि ना वो सुधरे ना हम, नहीं आप भी अपना पॉइंट प्रूव करे जा रहे हैं जो कि आप 2 साल से कर नहीं सके, और वो भी वही है उसी चौराहे पे खड़े हैं कि उन्होंने अपनी बात बोलते ही रहना होता है। तो बात ये है कि क्या इजियर रहेगा कि मैं अपने आप को प्रूव करना बंद कर दूं, और मैं उनको क्यों सिखाना क्यों चाहती हूँ, लल्लू को लल्लू क्यों नहीं रहने देना चाहती, क्यों मुझे लगता है मैं बेटर हूँ, मैं ज्यादा पता है, मैं बेटर नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो कम से कम खुद अपने आप को बेटर कर सके, क्योंकि द थिंग इज कि अगर ऐसे लोग सोसाइटी में रहेंगे, I'm cutting you short, anything which I'm expecting from the other, if I would do it for myself, will I create ease here? The whole thing is that, no, isn't it? True, 2 years, I've tried enough. वो A बोलते रहे, मैं B बोलती रही, फिर वो A बोलते रहे, फिर मैं B बोलती रही. Now this has happened infinite times. Okay, now we've come to a place. See, had it been a good space for you, would have never picked it up as a question here. Okay, that means this is somewhere hurting you. You're not liking it. You do not like his behavior. But then. See, can I change and transform the world according to my thought process? No. Okay. Is he actually harming you in any way by saying that? Or is he asking you that you raise your vibration so that you're not the effect of whatever I'm saying, so that you'll be not the effect of it? ठीक है ना? लड़ाई तो तब तक रहती है जब तक दो जने आसपास होते हैं. है ना, तो जब मैं ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिलीव सिस्टम में बदल दूंगी कि यार मुझे तो इसको सुधारना ही नहीं है, कि जहां पे जैसा आया है ना, लेट हिम और हर बी एज ब्यूटीफुल एंड लेट मी, व्हाट कैन आई डू और व्हाट कैन आई चेंज इन मी दैट वुड मेक मी सेलिब्रेट हिम, कि यार वाओ यार ये एक चीज तो तुम छोड़ दो, वहां पर मुझे अटेंशन देनी नहीं है, कि जो बाकी की 51 चीजें हैं ना, ये तुम्हारे में बहुत ही अजीज है यार, बहुत खूबसूरत है तुम्हारे में. I wish I had one thing out of this, you know, which was a part of me. You get that? I always have to look for ease, yeah. Why would I stretch it? You know, it's a tug of war which is happening. Hai na? So, jo dori chhod dega, jo itna zabardast pakad ke rakhe hue hain, ki main, aise hi chal rahi hai na? Aise hi to chal rahi hai. Bole bole ki main to hui nahi, ye lo. Ab kya hua? Ab udhar wale to gir gaye na? Yes or no? So, वो कई बार ऐसे होता है कि उसको डोरी छोड़ने की जरूरत होती है कि यार शायद उसको ये पता ही नहीं कि वो छोड़ सकते हैं, पर मैंने तो सी कहा कि मैं छोड़ सकती हूँ, तो मुझे कल की वेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपने लिए उसको, उसके पास शायद टूल ही नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड somebody's सिचुएशन also. The other one does not have a tool. Probably that person has never ever thought about this situation from this angle that we are talking about in today's call. You get that? And what stops me from, मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो डोली छोड़ दूंगी तो क्या मैं हार जाऊंगी? नहीं, मेरे लिए तो जीत ही है. क्यों? मेरा दिल मन कायम रहेगा, मुझे अपनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करनी नहीं पड़ेगी, मुझे सारा दिन कुड़कुड़ नहीं करना पड़ेगा. I can utilize that time, energy for something better, which I am here for. Okay? And then, what do you think you are lacking in that always desire you to prove that girls are good? Do you have even an iota of doubt that girls are not good? मुझे तो कोई doubt ही नहीं है. फिर मेरे लिए कोई आके बात करे लड़का लड़की से, मुझे कोई reaction नहीं होता. मुझे होता है कि ठीक है यार, इसकी कोई अपनी होगी, इसकी कोई बुद्धि की बेबुद्धि होगी, उससे मुझे क्या मतलब है. You get that? Why do I have to tell that girls are good? I know they are good. So are boys. They are good. अरे यार, ऊपर वाला यहाँ पे ट्रैश बनाने के लिए नहीं आया है, कूड़े कट्ठे कर करके ढेर नहीं बनाने आया हम तुम हमारी तुम्हारी शक्ल लगा के. आई एम वेरी श्योर ऑन दैट. ओके, द मोमेंट आई स्टार्ट सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ, that is the time when I allow the other one to celebrate them. You get that? All of us are different. All of us. Even 5 people staying in the same family, and even twins, if I bear,
they are all different, even when they are identical twins. Okay? Are they not different? Yeah? अगर हम सारी एक दूसरे की फोटो स्टार्ट होते कितनी कितनी बोरिंग ये लाइफ होती नहीं सारी एक जैसे ऐसे ना मशीन के नीचे निकले हुए है ना वही सोचते हैं वही करते हैं वही उनकी शक्लें हैं वही रंग वही isn't it why are we also different we are also different because the Lord God the universe desires us to know that you know we are here to celebrate each other we are not here to nullify each other है ना एक ही बाग बगीचे में हजारों तरीके के फूल पौधे पेड़ सब इकट्ठे उग रहे होते हैं कोई किसी की तरफ उंगली करके नहीं देता यार तू तो बड़ा टॉल है मैं तो छोटा सा हूं तू तो बहुत खुशबू देता है मेरी तो आती नहीं कोई करता है क्या कोई करता है तो हमें ये जो 5 किलो का सिर ऊपर वाले ने बख्शा हुआ है जो उनमें नहीं है सो आर वी गिफ्टेड डू वी थिंक वी आर गिफ्टेड विद दैट 5 kgs Or are we actually abusing ourselves and everyone else around us with that 5 kgs? And you know, we feel proud. I could nullify you more today. Isn't it? Maine tumhari zyada pant, you know, pant khench saka. You know, I am better. Is this the way of living life? Is this the way of living life? And if I think so, then do I need to, you know, check myself here? Because who other than me will check? We are all adults here talking. Isn't it? Nobody. और क्योंकि मुझे एक से दूसरी से तीसरी बारी कोई आके बार बार बोल दे ना मालवीय का तुमको गुस्सा आ जाता है मालवीय तुमको दिल करता है इसको उठा के ना ऐसा झापड़ लगाना दांत सारे 32 बाहर आ जाए Isn't it? तो मुझे कौन टोकेगा मैं मुझे टोकूंगी कि मेरे में क्या है क्या रह जाता है कि मुझे ये चीज बार 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 आती है When I start asking myself, when I start, you know, poking myself and not the other, then I actually get to elevate from that space, no? I get a way out of it. Why do I need to justify? If I know that I know, that I know, that I know, that I know, that I am a precious, magical, miraculous, amazing gift, that the Lord God had created, taking his own beautiful time to create somebody like me, and similarly, whomever I associate with, and similarly, all those people I directly or indirectly associate with, then is there any compulsion of that garbage pouring out? No. Is there any compulsion of that garbage pouring out? Yeah. And everything that does not allow me to assimilate this idea, the moment I change the perspective of my thoughts, the things change. Yeah. Wayne Dyer, I've been a die-hard fan of his, you know, and I've been reading him, I've been listening to him, you know, from years. And I think had he not been in my life, you know, I wouldn't have been here. Yeah. And, you know, it is just like, when I read him, I listen to him, I've learned so much, I just can't tell. Yeah. So he says, the moment you change the way you look at things, the things you look at change. Yeah. And when people come for sessions to me, you know, and they'll say, Malvika, aise kaise, kaisi main kisi baat nahi karti, kyunki main change ho jaun, sari dunya badal jayegi. Main change ho jaun, action reaction badal jayenge. Main change, yaar, sara program mujhe hi kyun karna padta hai? Isn't it? Sara program mujhe karna padta hai, kyunki peace mujhe chahiye. Uske peace ke liye main kaam nahi kar rahi hoon. Hai na? Even with the partner that we are sharing the bed with, मैं उसके पीस के लिए काम नहीं कर रही अपने पीस के लिए कर रही हूँ तो काम मुझे क्यों नहीं करना पड़ेगा उस काम से मैं कतराती क्यों Look at that. So I have to change perspective of anything and everything. Anything and everything. The moment I shift the energy, the moment I shift the perspective, the moment I say, What's right about him always picking up this thing? Yeah. What am I unwilling to be?
या जो ये मुझे हर रोज आईना दिखाता है 2 साल से, मगर मुझे दिख नहीं रहा, मुझे ये 2 साल से मेरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि कोई आईना दिखाता है मगर मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, तो यूनिवर्स शो मी अवे ना, वो वाला आईना तू आज मुझे दिखा दे ना, इधर है। कभी इस चीज को मांग के देखा है कि और 2 साल के और 20 साल भी लड़ लेंगे तब कौन सा हमारा कुछ बेहतर हो जाना है, यू गेट दैट? या so everywhere that I'm finding faults in others, I'm actually not desiring to see what is right about their poking that I'm not getting, what is right about their making me angry that I need to react that I'm not getting. There is something which I do not desire to address, there is something which I do not desire to see, there is something which I do not desire to hear. Yeah, why? Because I love to harp whatever I have to harp. Okay, हमें सुनने की कितना हमें कमी रहती है, हमें दिल करता है बस कोई भी बच्चा हस्बैंड पड़ोसी नौकर जो आए ना, बस सारे ज्ञान के जो गुतलियां है ना सब मेरे में ही, बस मुझे तो सुना ही देना है सभी कुछ, isn't it? या पर अगर 10 मिनट उसको और सुन लिया, सुनने की क्षमता है नहीं, क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो उसके फर्स्ट वर्ड से ही शुरू हो चुका है ना अंदर, तो कहता मैं तो बोल दू ना, मैं तो बता दू ना, मैं माँ हूं, मुझे बेटर आता है ना, अरे 50-60 साल से कोई फर्क नहीं है उसकी, क्या पता उसकी 500th बर्थ हो, मेरा भी 50वां ही है, हाँ इन फिजिकलिटी में पहले आ गई, ओके सो नाउ इन दिस लाइफ टाइम आई एम 50 years एंड दैट चाइल्ड इज 10, सो आई हैव ऑल द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू कीप टेलिंग देम दैट नो 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 यू नो आई एम बेटर, आई नो बेटर, मेरे सद्बुद्धि, ऐसी कोई बात नहीं है, इस खुशफहमी को जितनी जल्दी दूर कर देना उतना बेहतर होगा, ओके देयर इज नथिंग, you know, it is not in physicality that, you know, the age is mattering. No, not at all. I might be as insane as no one else can be, and my child can be, you know, most sane and most sensible and most intelligent and everything positive in him. You know, what stops me from seeing that aspect? Why? Because I feel I'm better. Why? Because I feel I'm senior. Why? Because I feel I have more experience. Isi lifetime ka to experience hai na? Isn't it? Pichli lifetime kisne dekhi hai? Tumne ki, maine ki, kisne? Kisi ne bhi nahi dekhi hai. Okay. So everywhere that we always have a reaction to the action. What if I was in a space of inaction? Then how would my life be like? Then how would my day be like? Then how would my moments be like? Then what would my relationships be like? And everything that does not allow me to be there. Everything that stops me from being there. Everything that stops me from seeing and viewing everything that is real. Absolutely true. Kehte hai na, sach kadwa hota hai. Sabhi ke liye hota hai. Isn't it? So, जहां पे भी कहीं कड़वाहट लगे वहां पे अपने आप से पूछ लें कि सच को का सामना करने में कहां अभी भी काबिलियत नहीं बनी, और फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, मांग लेंगे प्रभु वो दिखा देना, काबिलियत दे दे कि मुझे सच का सामना करने की आदत हो जाए, या सच का सामना करने में मुश्किलात ना आए, या मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़े, वो टग ऑफ वॉर नहीं करनी पड़े, ओके okay? And then everywhere that I require, that I'm required to always, yeah, be that energy of peace, to see myself, to see what is real, to see the other one, everything that stops me. Would you now like to eliminate that? Please, right, wrong, good, bad, for borderline, just for some reasons. Did I make any sense? Yeah. Did I make any sense? Truly, truly, truly. Thank you. सब कब से? ये कोरोना वायरस के बाद वाला टाइम से हम लड़ाई छोड़ेंगे कि अभी से छोड़ दिए? अभी से छोड़ दिए, छोड़ दी, बिल्कुल अभी से. Amazing, you know. Always ask yourself, what am I choosing? Why am I draining energy? And what am I not liking about yourself? Should I tell you something, Manmeet? Yeah. You as a child, I do not know anyone's history here, but you were not appreciated enough being a girl. Yeah? No, it's never like that. It's never like that? Bilkul bhi nahi.
मेरे पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव. बट शायद बाहर शायद बाहर मैंने उतनी एफर्ट नहीं डाले, शायद वहां पे मुझे प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है. तो जो मुझे लगा कि अभी मुझे और मेहनत करनी है, जो शायद उनको ये बोलने का मौका मिल रहा है कि आई एम बीइंग अ गर्ल, आई एम नॉट दैट मच यू नो कॉम्पिटिटिव और जो भी है, तो मुझे शायद उसका रिएक्शन निकल रहा है. तो वहां पे मुझे बस ही सीनियर टू मी, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने में टाइम लग रहा है. बट आई थिंक मैं कर पाऊंगी अब इस बात से कि मैं काफी रिएक्शन दे रही हूँ, रादर देन दैट मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए. ओके अमेजिंग. So anything for today, and then you know, I think we've you know actually completed an hour of the call already. Yeah. So let's close our eyes. Yeah, and let's close our eyes and let's do a short meditation today. And that is getting back to the power that we are, getting back to the powerhouse that we are. And when we close our eyes, let's connect to the body first, experiencing the eyeballs inside the eyelids today. Then paying our attention to the breath that we are taking inside and how is it touching the nostrils and going inside the respiratory tract and going inside and inside. And then going to your lungs and then helping the lungs to grow bigger. Then taking your attention to the knees and the joint of your knees. And even if you do not know the physiology, you know, just imagining how the two bones are coming together and how as they come together, they become a joint. And how when they come together, you know, we have something which gives them grease and the joints come alive. We can sit, we can walk, we can, you know, do as many actions with the legs, we can do yoga. We can do so much, you know, we can tread the hills up. And how is it whenever two things come together, like the bones here that I'm talking of, the grease always keeps them friction free. And the lubrication in your eyes that is making your eyelids open and close, and the eyeballs are friction free. The air that you breathe in through the nostrils that touches each and every part of your body and enlivens it with every breath, that is friction free. And there is the in-breath and the out-breath that you do, the inhale and the exhale. There is a moment between the inhale and the exhale that is where you experience stillness that is friction-free. So everywhere that you have been in friction with the outside world,
what can you incorporate there that would make it more greasy, more easy, more friction free, so that you have peace and calm and joy in your everyday life, in your every moment that passes by, in every relationship that you get to experience near or far, and everything that does not allow you to be that grease, where you can choose to be one, that non-friction world that's going to create ease for all times to come. And everywhere that there is friction, that is talking about the reaction that is happening inside, it could be in my body, it could be in my mind, it could be in my thoughts. And everywhere that I get addicted to the reaction, what if I could substitute that with consciousness and the conscious presence, that light that is kindled inside and is always kindling, and just asking for attention. And the moment you turn to that light, it will always show you a way, giving you other options which are available, showing you the other possibilities that are available other than reaction. And everywhere that you do not get to your inside, back home, coming back home is coming back to peace. Coming back home is coming back to the conscious world. Coming back home is like coming back to the alignment. And that will tell you what is required here. Is that much anger working? Is that much reaction actually creating what you desired it to create? Is that much fear really working in the right direction for you and the others? And everywhere that you always love to be in the darkness, in the friction world, everything that brings up for you, would you not like to let it go for all times to come, for all eternity, please? Getting back home is such a beautiful thing. And home is always sweet home. Even when we travel all around the globe, when we travel in business class, and we travel wherever on the planet, you know, after a few days, you might be having a ball of a time. Still, getting back home is what each one of us desired. That home could be a one room, that home could be a palace, that home could be whatever size, shape, length, breadth, but home is home. That is the way when we get back to our bodies, when we get back to the conscious world, when we get back to real, when we get back to that illuminated core that we have, that light which is always kindled, and which always keeps kindling in this physicality, that is the time when we get to the solace, the ease, the joy, the peace, the equilibrium, the judgment-free space
where we do not have to prove you are right, I'm wrong. I'm wrong, you're right. You're good, I'm bad. I'm bad, you're good. Everything is good. Everything is bad. Our judgment makes it so. And everywhere that getting back home for you is tough, is a tough call, is a struggle. May that always be so, so, so easy. And when you function from the knowing that that is the only way to dwell in peace, you will always get to choose that. But it is just a choice away. But it is just a choice away. Getting back home is the beauty of life. Getting back home is the beauty of the body that we are gifted with. Getting back home is just getting back to the warmth, is getting back to the love, is getting back to everything that we desired all our lives. And now is the time. And now is the only time where we can initiate that and always get back to that whenever we go haywire, lose track. By the graces, by His presence, by always asking Him to show you a way, by never losing yourself, by never ever getting to quit. For you know that the door to this beautiful home is always open for you. The door to consciousness, the door to having another choice, making another choice, and getting back to calmness is actually making you closer to you and connecting to you deeper. May this joy of light always enlighten you abundantly. May this ray of light always keep you closer to yourself and to consciousness and to the choices that you actually desire to make. May these blessings always keep multiplying and expanding your lives. And always keep you connected to the conscious. To the conscious. To the conscious. Whenever you feel like opening your eyes, you can choose to open them. This is the space of no reaction. Thank you so much for being there, and
hope you had some non-reaction time where you're, where everything was aligned and everything was so sorted for you. Thanks, Madhika. The entire conversation was very eye-opening. Thank you so much. It gave me a very different perspective to look at things, how to go into a space of total inaction. Because, and also when you said that it's, I mean, we have a different viewpoint and people always have a different way of looking at things, and it's not necessary that always we are right. It was so nice. I mean, we keep hearing such things, but when in a group show, I mean, when we talk like this, it opens up. Thank you so much. Thank you. Thanks for joining in, guys. And let's have something on the group. Yeah. Let's see what you will contribute to the group today. Yeah. Let's not make that dar ke aage jeet hai group dead. Okay. Yeah. All of us are alive and enlightened. I'm sure we can put in something. There are no forwards. Forwards are not that group. Yeah. Something that comes to you, something which is going to enhance the others, that is what that group is meant for. Let's see you alive and kicking, and let's see your outpour there on group, and we shall meet tomorrow, 12 noon here. Yeah. Thank you. Thank you so much for joining, and lots of love, and have a wonderful lunch and an amazing day. Thank you, Malvika. Thank you, Malvika. Thank you. Bye. Bye. Bye.